सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। Karakatam
Bye.
Sarakaya Mahapuya Vyadeya Chavashi
अथ छद्धगुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणौ देवी कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डे जापः शुभ भवेत् न कवचम् राजगुहा स्तोत्रम् कीलकम् नारस्यकम् नाम् नापि ध्यानम् च नान्यसोनजवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत्
अभिगुह्यतरं देवी देवानामविदुर्लभम् गोपनीयं प्रियमेव स्वयोनेन पार्वति मारणं मोहनं वज्रसम्भवजापनादिकम् पाठमात्रेण संस्कृत्य गुञ्जिकास्तोत्रमत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्यै ॐ ग्लौं हुं ग्लीं यं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्यै ज्वलहं सङ्गं यं वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुवर्धने नमाकेतवहारिण्ये नमस्ते महिषादिने नमस्ते शृङ्गहन्त्रे च शृङ्गासुरगाजने जागृतमहे महादेवे यमसिद्ध्यङ्गलक्ष्मणे एकारे सृष्टिरूपाय ऋङ्गारे प्रतिपादिका क्लिङ्कारे कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्तु ते चामुण्डा चण्डघाते च एकारे वदायिनि विच्छेदाभयकारिणी नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां ह्रीं ध्रूं ध्रुजते पर्णी वां ह्रीं भूवागधीश्वरी क्रां ह्रीं ह्रूङ्कारिका देवी शां ह्रीं श्रुमे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 भनादिनि ब्रां ह्रीं ह्रूङ्कारभिवद्भ्यै भवाने च नमो नमः ॐ गं जं तं तं मं यं जं ह्रीं ह्रुं ह्रीं ह्रीं हं शं निराग्रं निराग्रं त्रोटय त्रोटय गीतं गुरु गुरु स्वाहा पां देवो पार्वदेवो न काङ्गे ह्रुङ्गे जले तथा सां श्रीं सों मन्त्रसिद्धिं करिष्यामि इरङ्गुञ्जिघातोत्रं मन्त्रयागतिहेतवे अवर्जयेनैव धातव्यं गोपिसंरक्ष पार्वति यस्तु गुञ्जिकया देवी हीलां सप्तशतीं भवेत् नाथस्य जायते सिद्धि अरण्येरोदनं यथा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धारा सकं नमस्ते शरण्य शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिदेवेश्वरूपे नमस्ते जगत्पञ्चपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारगीताहि दुर्गे नमस्ते जगच्चमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते स्वदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारुणीताहि दुर्गे अनादर्शदीनादृशनादुरस्य दयादर्शदीनाश्च वज्रजयन्तो त्वमेका गतिर्देवनिर्सारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारुणीताहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे जनसङ्कटे राजगेहे प्रवासे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहे
नमस्ते जगत्तारणित्राय दुर्गे कपारे महालोकरे जन्तघोरे विमर्जाचर भर्जतावे हवाजा स्वमे काग्रदे विनिस्तार नोता नमस्ते जगत्तारणित्राय दुर्गे नमचंडिके चंडोदंडलीना समचंडिदागंडलाजे चंद्रो स्वमेका रजिरवेदनंदोहर्ति नमस्ते जगत्तारणित्राय दुर्गे स्वमेका नमस्ते जगत्तारणित्राय दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनारे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूति सदाकाल राते स्वरूपे नमस्ते जगत्तारणित्राय दुर्गे शरणमधीशराणां तीर्थविद्याधराणां मुनिदर्शवराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपतिर्जगतानां दशदिशाद्वितानां त्वमधि शरणमेका भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी महारे जय पावनी नाथ बहुपद दे जय सुंदरी रूप कपाल रवि प्रणवामी तो देवी नारायणी जय चंद्रदी Bye-bye.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षयकनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्त जान तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जीदा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्र होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो वर्ष में पूर्ण होती है वर्ण भक्ति, भक्ति में श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्र चित्ति हो, यह यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझको जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। एवं अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम यजनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। और भक्तजन अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योगक्षेम भी मैं स्वयं वर्णन करता हूँ। श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश दे रहे हैं, स्वयं माता जी ने भी इन्हीं पद्म स्तोत्रों में जिनका आपने पाठ किया अपने महात्म को पकड़ करते कहा हुआ है, एवी स्तवेश्च माम नित्यम स्तोष्यते या समाहिताः तस्याहम सकला बाधाम नाशयिष्याम्यहम संशयम्। माता जी कह रही है कि जो एकाग्र चित होकर
प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी। विशेष रूप से मधु कैठवनाशम च महिषासुर घातनम कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधम शुम्भन शुम्भो, जो मधु कैठव का नाश महिषासुर का वध तथा शुम्भन शुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चेतसा शोष्यन्ति चैव जय भक्त्या मम महात्मुत्वम। अष्टमी चतुर्दशी और नवमी के जो एकाग्रचित हो भक्ति मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे ना तेषाम दुष्कृतम किंचित दुष्कृतो स्थान चावदा भविष्यति ना दारिद्र्यम ना चैवेश्य व्ययनम, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विषोभ का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं शत्रु तो ना भयम तस्य दस्यो न रायता ना शस्त्रानल तोयो घात कदाचित संभविष्यति, उन्हें शत्रु से लुटेरों से राड़ा से शस्त्र से अग्नि से तथा दल की राठी से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए माता कह रही है कि तस्मान वेतन महात्म्यम परिदव्यम समाहिते ही श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम स्वस्थिता, सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्व मेरे इस महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, ये परम कल्याणकारक है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जीरा बोल सच्चे दरबार की जय। दुर्गे स्मिता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मिता मति मति शुभाम ददासी, केवल स्मरण करने मात्र से ही माता जी हमारे सभी भयों का नाश कर देती हैं, मनोकामना पूर्ण कर देती हैं और यदि विधि पूर्व माता जी की आराधना की जाए इसका अनंत फल है। कथा के रूप में व्यास देव जी बता रहे हैं कि सूर्य भगवान सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इनका नाम विवस्वान है और इनके वैवस्वत मनु पुत्र थे, वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु तथा शर्याति इत्यादि पुत्र थे जिनमें राजा शर्याति के 4000 पत्नियां थी और उन सब में उनके जहाँ एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था, यथा नाम तथा गुण दिव्य रूप और बाल्यावस्था ही माता जी की आराधिका। वहीं राजा के राज्य के थोड़ी दूरी पर एक सुरम्य सरोवर था जहाँ विभुवंशी च्यवन ऋषि जल का त्याग किए दुर्गा माता की आराधना में तत्पर थे और कई हजार वर्षों की आराधना के पश्चात उनके शरीर को दीमकों ने ढक लिया था, अर्थात वो मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे और समाधिस्थ हो गए थे। एक दिन राजा अपने परिवार के सहित सैनिकों के साथ उस सुरम्य सरोवर पर विहार करने गए जहाँ समाधि अवस्था में च्यवन ऋषि की दोनों जो आंखें थी वो जोड़ों की भांति चमक रही थी, उनसे प्रकाश टिकल रहा था और सुकन्या ने अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए कौतूहलतावश उस प्रकाश को कांटे से कुरेद दिया, फलस्वरूप जिससे च्यवन ऋषि नेत्रहीन हो गए, अंधे हो गए और घोर कष्ट में पड़ गए और उनके श्राप से दुखी होने के श्राप से राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र बंद हो गया, सभी घोर कष्ट में पड़ गए। राजा जब जान नहीं पाए कि क्या हुआ है, जब अंत में पता चला कि सुकन्या ने बताया कि मैंने कांटे से उस जुगनू प्रकाश को रेदा था जिससे रक्त प्रवाहित हुआ था, देखा गया तो वहां पर च्यवन ऋषि जो तपस्या में समाधिस्थ थे वो नेत्रहीन हो गए थे और राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मेरी कन्या से अज्ञानतावश भूल हुई है, इसको क्षमा कर दो। उस समय च्यवन ऋषि ने कहा कि एक तो मैं वृद्ध और दूसरा अंधा हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। राजा ने कहा कि मेरे सैनिक सभी जो आपकी सहायता करेंगे, परंतु राजा ऋषि ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तभी आप मेरे श्राप से मुक्त हो सकते हैं यदि उसी कन्या का जिसने मेरी आंखें को अंधा किया है उसका विवाह मेरे साथ कर दूँ। राजा विचार करने की मेरी युवती कन्या और ये नेत्रहीन तथा वृद्ध, मैं कैसे इनके साथ विवाह कर दूँ। परंतु सुकन्या ने कहा कि पिताजी मुझसे जो भूल हुई है इसका प्रायश्चित मैं करूँगी, मैं प्रसन्नता पूर्वक इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया गया सुकन्या का और उसने राजसी वस्त्र त्याग करके जो वानसी वस्त्र पहन करके पूर्णतया जो ऋषि की सेवा करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्म मुहूर्त ने उनके उठने से पहले उठना, उनको गर्म जल देना, शीतकाल में वन से हवन के लिए संविधा लाना, सरोवर से जल लाना और उनके सोने के पश्चात उनके चरण दबाते हुए उनके चरणों में सो जाना, इसकी नित्य क्रिया थी। ऋषि पूर्ण प्रसन्न थे और एक दिन
सूर्य भगवान के पुत्र जुड़वा पुत्र देवताओं के वैद्य हैं, वो वहाँ विहार करते हुए आए और जब वो सरोवर से जल ला रही थी उसको देखा और उसको देखकर वो कामासक्त हो गए। सुकन्या ने बताया कि मैं उन चवन ऋषि की पतिव्रता पत्नी हूँ, आपको ऐसे शब्द मेरे प्रति नहीं करने चाहिए। उन्होंने जो पति रूप पति से उसको व्यक्त करना चाहा, पति से अलग करना चाहा और कहा कि हम में से किसी एक का वर्ण कर लो, परंतु सुकन्या ने कहा कि मैं पतिव्रता हूँ और आपको ऐसा शोभा नहीं देता, आप मेरे आश्रम में चलिए और आतिथ्य ग्रहण कीजिए। वो भयभीत हुए और उन्होंने कहा कि हम देवताओं के वैद्य हैं और हमारे पास ऐसी विद्या है कि हम आपके पति को पुनर्जौवन तथा नेत्र प्रदान कर सकते हैं। उसमें शर्त ये होगी कि एक सरोवर में हम दोनों जिस प्रकार एक रूप वाले जुड़वा भाई हैं वो भी हमारे प्रकार ही हो जाएगी, एक रूप हो जाएंगे तीनों और उनमें से आपको अपने पति को पहचानना होगा। सुकन्या ने वो पतिव्रता थी, उसने पति से आज्ञा ली और सरोवर में स्नान किया गया, तीनों एक रूप हो गए। उस समय सुकन्या असमंजस में थी क्योंकि तीनों का एक रूप था कि मेरे पति कौन है। उसने उस समय माता से प्रार्थना की कि हे माँ, यदि मैं पतिव्रता हूँ और मैंने बाल्यावस्था से आपकी आराधना की है तो मुझे मेरे पति बता दो। तो मन ही मन माता जी ने सुकन्या को बताया कि जो पलक झपक रहे हैं वे आपके पति हैं, क्योंकि देवता पलक नहीं झपकते। उस समय सुकन्या ने उन अपने पति च्यवन को, जिनको नेत्र तथा यौवन प्राप्त हो चुका था, वो प्राप्त कर लिया। ऋषि पूर्णतः प्रसन्न थे और उन्होंने प्रत्युपकार की भावना से उन अर्षि कुमार से कहा कि आपके पास क्या नहीं है, मैं आपको वो प्रदान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इंद्र की सभा में हमें सोमरस पीने का अधिकार नहीं है, हमें ये अधिकार दिलाइए। उधर आया शरियादी, ये मन में विचार कर रहे हैं कि हमने अपनी कन्या का सुकन्या का विवाह उन नेत्रहीन तथा वृद्ध ऋषि के साथ किया था, पता करते हैं। तो देखा कि वो युवक के पास बैठी हुई है, मन में संचय हुआ, परंतु सुकन्या ने पतिव्रता होने के नाते अपने पिताजी की इस भावना को पहचान लिया और बताया कि इस प्रकार मेरे पति को पुनर्जौवन एवं नेत्र प्राप्त हुए हैं और इन्होंने उन्हीं अश्विनी कुमार वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकार दिलाने का वचन दिया है। शिरादी ने यज्ञ करवाया और उसमें जब सभी देवता आए थे, अश्विनी कुमार को सोमरस दिया जाने लगा तो इंद्र ने रोक दिया। जब च्यवन ऋषि ने कहा कि इनको भी दीजिए, इन्हें रोक दिया और अपना वज्र जो था वो च्यवन ऋषि पर छोड़ा, परंतु च्यवन जी ने अपने उस वज्र को अपने मंत्र बल द्वारा रोक दिया और एक दैत्य को उत्पन्न किया जो इंद्र को मारने के दौड़ा। उस समय इंद्र जी बृहस्पति के शरण में गए, परंतु बृहस्पति ने कहा कि अभी च्यवन ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। वो पुनः च्यवन जी के शरण में आया और उनको सोमरस पीने का अधिकार दिया गया। ज्ञान का तात्पर्य यही है कि जो पतिव्रताएं माताएं बहनें हैं वो अपने पति को पुनर्जौवन प्रदान कर सकती हैं। और अभी उस सीता माता जी को भी अनसुईया माता ने यही शिक्षा दी थी कि एक पतिव्रत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है वही सुहागन बड़भागन सदवंती नार कहती है। सुख में दुख में भले बुरे में पति की आज्ञाकार रहे, परमेश्वर समसमज पति को चरणों पर बलिहार रहे। अंधा बहरा बूढ़ा रोगी किसी अंग में हो हानि, ऐसे पति की भी रहे दासी वही स्त्री लासानी। एक पतिव्रत जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और अभी भी भोजन के पश्चात ऐसा लिखा है कि शरियाति सुकन्याम च्यवनम शक्र मशनो भोजनांते जा पढ़े नित्यम तस् चक्षु न ही थे। भोजन के पश्चात जो हाथ पहुंचे बिना ये श्लोक बोल करके आंखों को लगा देता है उसकी आंखें खराब नहीं होती, इतना महात्म है। आप से सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आवनी के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर आके तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बहरी हैं, जिससे आप स्नान करते हैं चरणामृत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज चंद्रमा बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। ये बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निर्बल हो सकते हैं। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन
ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश प्रेम में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे। 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 सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जय करा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे 3 शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर बेन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शेरावाली बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है। Oh,
बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मैया, बहुत कुछ दिया है तूने मैया बहुत कुछ दिया है।
शुक्रिया है तेरा 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 दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरे वाली दा दरबार की जय। हे
ਨੈਣਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੋਦਨ ਬਾਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਨੈਣਾ ਨੈਣਾ ਦੇ
दरबार की जय। ओम उत्तप्त हेम रुचि राम रविचंद बन्नी धनुषुरयुता कुशपाशूल ब्रह्मेर्भुजेश धरती शिवशक्ति कामेश्वरी हृदि भजामि दितेन्दुलेखा सत्या ज्योता बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। अब सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञे ऋतेन त्वं तन्नम वर्धयस्य सत्याः संतु जजमानस्य कामः मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव श्रीर्वर्चस्य आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं
भवपुत्र लाभम सत्संवत्सम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घ आयु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों, आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरे सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पेज पर आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौर कैया जय करत भैरो
सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुरारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो, रल मिल बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मेरा कर दी, जय माता दी, झोलियां भर दी, जय माता दी, भरे खजा दे, जय माता दी, सोला आने, जय माता दी, गोदा भर दी, जय माता दी, वीर दें दी, जय माता दी, लाल दें दी, जय माता दी, गाने सुनिया, जय माता दी, मुट्ठी बोलो, जय माता दी, हाथ भी खोलो, जय माता दी, ताली बजा के, जय माता दी, गोदा वाली, जय माता दी, लाटा वाली, जय माता दी, झोलियां वाली, जय माता दी, चुनिया वाली, जय माता दी, जोड़ियां वाली, जय माता दी, पहाड़ा वाली, जय माता दी, मंदिरा वाली, जय माता दी, झंडिया वाली, जय माता दी, घंटियां वाली, जय माता दी, द्वारा वाली, जय माता दी, भवना वाली, जय माता दी, शेरा वाली, जय माता दी, गोपा वाली, जय माता दी, हाथ वाली, जय माता दी, जग कल्याणी, जय माता दी, मां महारानी, जय माता दी, सिद्धि रानी, जय माता दी, वैष देवी, जय माता दी, मां महाकाली, जय माता दी, शंकर वाली, जय माता दी, शक्ति देंदी, जय माता दी, लक्ष्मी मैया, जय माता दी, जगत वाली, जय माता दी, हरे खजाने, जय माता दी, सोलह, जय माता दी, जय माता दी, पंचद्वारी, जय माता दी, विद्या देंदी, जय माता दी, ज्ञान देंदी, जय माता दी, बुद्धि देंदी, जय माता दी, भक्ति देंदी, जय माता दी, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके
माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्यारे महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। हम बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। ब्रज में गुरु जी को वंदना, द्वितीय याद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश। जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर चौसठ घड़ी जो चरणा दा ध्यान। जय मां Thank you.
भृगम चक्र गदेशु चाप परिगान शूलंब शुंडें चला शंखम सौंदरदेम तरे सिनायन करवाग भूषा वृता लीला शंकुनि पाद्य पाद दशका देवे महाकालिकां यामस्तो कपिते हरो कमलयो अंतम मधुकेतवम् పదమం ధనుష్కుండికా గండం శక్తిమదించ ధర్మదలయం ఘంటాసురావాజనం శూలం బాజుదర్శనే హస్తే ప్రసన్నానన సేవే లక్ష్మీ సలోయాస్తికా ఘంటా శూలహలాది చక్రం ధను సాయకం ఆధారభూతా మహా పూర్వా మంత్ర సరస్వతీ మన్వజే శుంభాది దిత్యాజనే త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధో సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా జగతం త్వమేవ శాంతాకారం భుజగనయనం పద్మనాభం సుదేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి విద్యాన గమ్యం వందే విష్ణోభవనం సర్వలోకేకనాథం అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం విష్ణుదామోదరం వాసుదేవం మాధవం గోపికావల్లవం హరే మురారే మధురే ద్వారే గోవింద గోపాల జ్ఞానం ప్రదేహి శరణం ప్రదేహి విద్యా ప్రదేహి భగవన్ నమోస్తు హే మై మేరీ సచ్చియా జ్యోతా వాలీ మాతా తేరి సదా పంచ ఫులారాణి మాతా తేరి సదా సర్వసదా భలా కర్ణ వాలీ మాతా తేరి సదా సారే సంసార విశ్రాంతి దేన వాలీ మాతా తేరి సదా లుంకడా భీర డాకుర తేరి సదా బోలో సచ్చే దర్బార్ కీ జయ ధర్మ కీ జయ ధర్మ కీ జయ ధర్మ కీ జయ అధర్మ కా వినాశ అధర్మ కా వినాశ అధర్మ కా వినాశ ప్రాణియో మే ప్రాణియో మే ప్రాణియో మే విశ్వ కా విశ్వ కా విశ్వ కా భారత్వర 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 బోలో హర 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 మహాదేవ బోలో బాబా శ్రీ హరి కీ జయ సనాతన ధర్మ కీ జయ గో మాతా కీ జయ బోలో సచ్చే దర్బార్ కీ జయ పూజ్య గురు మహారాజ్ కీ జయ పూజ్య మాతా పితా కీ జయ బోలో సచ్చే దర్బార్ కీ జయ जयकारा माँ शेरावाली दा बोलो साचे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जै।